हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय प्रबंधन संचालन जिला लघु वनोपज सरकारी संघ मर्यादित के जो लघु वनोपज विभाग है राजनांदगांव जिला वन मंडल के द्वारा विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें जिला लघु वनोपज सरकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव में यहां पर प्राथमिक वनोपज सरकारी समिति जो कि एक तो कुंडलकल, कमानसूर, गोटा टोला, पंडरा पानी, भोज टोला और हाट बंजारी में एक प्रबंधक या अपने मैनेजर के जो पद रिक्त हैं, जिसके लिए यहाँ पर योग्य उम्मीदवारों से यहाँ पर आवेदन पत्र मांगा गया है, जिसके आवेदन यहाँ पर स्वीकार करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 20 फरवरी 2023 तक शाम 5 बजे तक आप एक तो सीधे यूनियन कार्यालय में जाकर या फिर रजिस्टर डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो पद है प्रबंधक संचालक जिला वन उपज सरकारी संघ राजनांदगांव के द्वारा मैनेजर के पद के लिए यहाँ पर विज्ञापन मांगा गया है, जो कि यहाँ पर इसमें पद है, इसकी योग्यता मैं बताऊंगा। एक तो प्राथमिक लघु वन उपज सरकारी समिति का नाम यहाँ पर जो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया, सभी पद यहाँ पर प्रबंधक यानी कि मैनेजर का रहेगा। कुल पदों की संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर कुल 6 पद रिक्त हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। बाकी सभी पद यहाँ पर अनारक्षित हैं, यानी कि कोई भी वर्ग के आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो कि प्राथमिक वनोपज सरकारी समिति के जो कार्य क्षेत्र में जो आने वाले जो कि तेंदुपत्ता फड़ या फिर गांव का नाम जहाँ निवासी ही जो निवास करते हैं जिस संबंधित क्षेत्र में, ये सभी संबंधित क्षेत्र में जो निवास करते हैं वही यहाँ पर उस क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राम का नाम दिया गया है, यहाँ पर कौन कौन से गांव वाले यहां पर आवेदन कर सकते हैं। एक तो कुंडलकल के लिए यहां पर ये सभी ग्राम वाले यहां पर आवेदन कर सकते हैं। कमानसूर के लिए यहां पर ये सभी गांव वाले आवेदन कर सकते हैं। ऐसे यहां पर जिसके लिए आप जिस क्षेत्र में आते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है कार्यालय जहाँ आपको आवेदन पत्र भेजा जाना है उसका यहाँ पर पता दिया गया है, इस पते में आपको आपका जो है आवेदन पत्र यहाँ पर भेजना है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 20 फरवरी है 5 बजे तक कार्यालय समय में। बाकी यहाँ पर वरीयता सूची प्रकाशित जो है 10 मार्च 2023 तक यहाँ पर जो कि वन मंडल विभाग के द्वारा यहाँ पर इस ये जो वेबसाइट दिया गया है, दो एक तो राजनांदगांव की जो वेबसाइट में या फिर यहाँ पर रिकॉर्ड दिया गया है cgmfpfed.org, इस वेबसाइट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसका जो है संविदा के रूप में भर्ती रहेगा, 1 साल के लिए रहता है संविदा। इसके लिए जो योग्यता की बात किया जाए तो केवल यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है, साथ में संबंधित क्षेत्र का यहाँ पर निवासी होना अनिवार्य है। बाकी जिसके पास यहाँ पर अनुभव होगा, ऐसे परिवार जिनका नियुक्ति 5 वर्ष से कम होना चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पर जो कि ये तेंदुपत्ता के कार्य में ही होगा या फिर उसके परिवार से किसी का भी यहाँ पर इस व्यवसाय में यहाँ पर कार्य करने का अनुभव होगा तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, साथ में कंप्यूटर का 1 वर्ष से डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स होना अनिवार्य है। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 तक 18 से 35 वर्ष। बाकी यहाँ पर आरक्षित वर्ग को यहाँ पर अधिकतम 5 वर्ष यहाँ पर दिया जाएगा छूट। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ के जो भूतपूर्व सैनिक रहेंगे उनको भी यहाँ पर छूट दिया जाएगा इस पद के लिए, क्योंकि मैनेजर काफ़ी अच्छा पद है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अन्य जो कि योग्यता जैसे कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सेवा नियोजन का गबन सुधा या फिर कोई भी धोखाधड़ी वगैरह का केस वगैरह या फिर कोई भी प्रकार का इसमें नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है एक तो 125 अंक के आधार पर होगा, जिसमें से 100 अंक जो है 12वीं का अंक रहेगा, बाकी जो 25 अंक रहेगा वो यहाँ पर बाकी अन्य जो है कंप्यूटर कोर्स या फिर योग्यता वगैरह का यहाँ पर दिया जाएगा। स्नातक का 20 अंक, 5 अंक जो है आपका योग्यता डिप्लोमा वगैरह कंप्यूटर का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया वही है जो कार्य पर उपस्थित होने पर प्रबंधन के चयन समिति पुलिस के सत्यापन वगैरह ये सभी होगा, इसको चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर यात्रा वगैरह आने जाने के लिए आपको यहाँ पर भत्ता भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रारूप भी इस प्रकार है, इसे आवेदन कर सकते हैं भर के, पीडीएफ के लास्ट में ही है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर पदों की संख्या 6 पद है, अंतिम तिथि यहाँ पर 20 फरवरी है। ठीक है,
मिलते हैं ऐसे ही नए जॉब अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।